खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां बीती रात नेहरू पार्क चौपाटी में बबलू यादव की चाट चाइनीज की दुकान में बीती रात आग लग गई। घटनास्थल के आसपास के लोगों का कहना है कि एक धमाके की आवाज आई और देखा तो दुकान से आग के लपटे निकल रही है। घटना की जानकारी नगरपालिका की फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी है। मैं 11:30 बजे बंद करके घर चला गया था और मुझे एकदम से फोन आया 1 बजे कि भैया दुकान जल रही है, आप किसकी है देख लो आगे। तो मैं यहाँ आके देखा तो दुकान में आग लगी थी। कैसे क्या लगी कुछ जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ तो रहता नहीं है, रोज जैसे बंद करते वैसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे एक मित्र है, सपाटी है, बबलू यादव, जो लगभग 11 बजे दुकान बंद करके रोजाना की तरह घर गए और 12 से 12:30 बजे के बीच आग लगी है दुकान में। तो इनको भी कॉल किया गया, मुझे भी, नेहरू पार्क के लोगों ने, गार्ड जो लोग रहते हैं उनने कॉल किया कि भैया यहाँ पर गैस सिलेंडर फटा है किसी का और आग लगी है। तो फिर मैंने और 100 डायल को सूचित किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया और सपाटी लोगों को ये किया, तो हम सब एकत्रित हुए। 100 डायल भी मौके पर आ गई थी और फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, तो उन्होंने आग पर काबू पाया।